राजस्थान की 199 सीटों पर लगभग सारी सीटों पर रिजल्ट है वो क्लियर हो चुके हैं। हम बात करेंगे फतेहपुर विधानसभा सीट की। तो यहाँ भाजपा में भारी बगावत थी और पिछली बार का इतिहास कायम रखते हुए हाकम अली खां जो मौजूदा विधायक हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हाकम अली खां ने भारी मतों से यहाँ जीत दर्ज की है। कुल प्राप्त मतों में से 82,967 लगभग 83,000 वोटों के साथ 25,266 वोटों से हाकम अली खां ने यहाँ से जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर रहे भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर श्रवण चौधरी जिनको 57,701 मत मिले और 25,266 वोटों से भाजपा प्रत्याशी श्रवण चौधरी फतेहपुर सीट से चुनाव हार गए हैं। फतेहपुर से विधायक रहे नंद किशोर मेहरिया 23,519 वोट ही जुटा सके और 2013 में भाजपा प्रत्याशी रहे मधुसूदन बिंडा को मात्र 8,672 मतों से संतोष करना पड़ा। तो ये मुख्य चार कैंडिडेट थे यहाँ से जो चुनावी मैदान में थे। हाकम अली खां यहाँ से लगभग 25,266 वोटों से विजयी हुए हैं और विजेताओं को बहुत बहुत बधाई, उपविजेताओं को भी बहुत बहुत बधाई।